कक्षा 8 के विद्यार्थियों को पुनः कक्षा में स्वागत है। मैं आप सबको हिंदी व्याकरण से विशेषण पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एग्जेक्टिव। विशेषण, विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण का परिभाषा क्या है। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जा सकता है। आप श्याम पट पर लिखा हुआ परिभाषा देख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण। जैसे वृक्ष पर पीले फल लगे हैं, तो यहाँ इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि फल एक संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है, पीले, अर्थात फल कैसा है, पीले रंग का है, तो फल की विशेषता पीला हुआ। उसी तरह से विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण कहलाता है जो गुणों की विशेषता बतलाता है। जैसे महात्मा गांधी महान पुरुष थे, तो महात्मा गांधी की विशेषता क्या हुआ, महान। सुभाष चंद्र बोस एक वीर सिपाही थे, तो सुभाष चंद्र बोस की गुण क्या होता है, वीर, अर्थात तो एक वीर सिपाही थे। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण जो संख्या का विशेषता बताता है या संख्या के बारे में बोध कराता है। इस संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है, निश्चय अनिश्चय, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें उदाहरण दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं 2, 4, अर्थात इस कक्षा में 4 बच्चे हैं, तो 4 यानी कि गिना जा रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। इस कक्षा में कुछ बच्चे हैं, ये अनिश्चित है, क्योंकि कुछ कहने पर किसी को पता नहीं है कि उसमें 10 है, 20 है, 25 है, कितना है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण, या वह विशेषण होता है जिसमें माप तौल का ज्ञान किया जाता है, उसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे 5 लीटर दूध, तो दूध गिना नहीं जा सकता है, उसका सिर्फ माप लेते हैं। 10 किलो चावल, चावल को गिना नहीं जाता है, उसकी माप की जाती है। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैंने लिखा है 10 लीटर, 10 मीटर कपड़ा, 5 किलोग्राम चावल आदि। अब आते हैं अंतिम विशेषण के भेद पर, संकेतवाचक या इसे सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, जो सर्वनाम को बोधित करता है या संबोधित करता है। जैसे कि यह, वह, यह किसका पुस्तक है, वह कौन है, अर्थात इसे संकेत की ओर इशारा किया जाता है, इसे सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इस तरह से आपका विशेषण का एक छोटी कक्षा मैंने प्रस्तुत किया। आप इन वीडियो को देखकर अपने दिए हुए पुस्तकों में जो परिभाषाएं हैं उसको पढ़ेंगे, इससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।